नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दिव्या विजयवर्गीय। और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के खास मौके पर पत्रकार होने के नाते एमपी न्यूज की टीम बैठी है चाय पर चर्चा करने के लिए। चर्चा होगी तब और आज की पत्रकारिता के बारे में, चर्चा होगी कई सारे पत्रकारिता के विषय पर और जानेंगे क्या स्वरूप में बदलाव आए हैं पत्रकारिता से जुड़े हुए। अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो हिंदी पत्रकारिता का जन्म हमारे भारत देश में 1826 में, यानी कि 192 साल पहले, बहुत पुरानी बात है। 192 साल पहले कोलकाता में उदंत मार्तंड नाम का एक पेपर आया था, जो कि जुगल किशोर जी द्वारा ये पेपर निकाला गया था और तब इसका जन्म हुआ था हमारे भारत देश में। और तब से लेकर फिर दूसरे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स आए, फिर वेबसाइट्स आई, वेब सीरीज़ आई, उसके बाद पोर्टल्स आए और आज का जो ज़माना है वो वेब का है। ऐसी बात नहीं है कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स नहीं है, पर साथ ही आज वेब ने अपने बहुत अच्छे से पैर पसार लिए हैं और सभी लोगों के लिए बहुत लोकप्रिय हो गया है। खैर, पूरी चीज़ों को अगर हम मर्ज करें तो ये पूरा हिंदी पत्रकारिता कहा जाता है। पर जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं हिंदी पत्रकारिता, अगर बात करें सिर्फ हिंदी की, तो हिंदी हमारे भारत देश में जितनी भाषाएँ बोली जाती हैं वो सब हिंदी से जन्मी हैं। उसी के साथ में अगर पूरे विश्व में जितनी भाषाएँ हैं और हमारे देश की भाषाएँ हैं, तो दूसरे जो बाहर, भारत से बाहर जो भाषाएं हैं वो बहुत कम हैं हमारे देश की भाषाओं के सामने। और हिंदी हमारी सर्वव्यापी और हमारी मातृभाषा कही जाती है। हिंदी पत्रकारिता आज सभी के लिए बहुत महत्व है, हर फील्ड में कह लीजिए आप, हर जगह कह लीजिए। और आज हमारी जो ऑडिटोरियल टीम है, हम सब बैठे हैं चाय पर चर्चा करने के लिए और जानेंगे कि कितना कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ स्वरूप में बदलाव आया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुषा से। अनुषा, अगर बात करें तो सबसे पहले न्यूज़पेपर आए, न्यूज़ चैनल्स आए, फिर आज वेब का ज़माना है। अगर तीनों को आपको मैं अपनी भाषा में बोलने को कहूँ तो आपकी भाषा में ये तीनों चीज़ों को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो अभी तक यही देखने में आया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत न्यूज़पेपर के साथ ही होती है, मतलब उनका एक विश्वास जुड़ा हुआ है न्यूज़पेपर से। ऑथेंटिकेशन अगर हम देखें तो वो पूरा भरोसा करते हैं न्यूज़पेपर पे। तो वो लोग ऐसे हैं जो हमेशा न्यूज़पेपर ही पढ़ते आएंगे। समय के साथ साथ जो न्यूज़ चैनल्स आई हैं, कई सारी न्यूज़ चैनल्स हो गई है आज हमारे देश में। तो न्यूज़ चैनल का अगर हम फ़ायदा देखें तो ये है कि हर समय की, जैसे न्यूज़पेपर है, आज दिन में पूरा जो भी कुछ होगा कल सुबह तक हमें उस बारे में पता चलेगा। तो न्यूज़ चैनल से हमें हर थोड़े समय में उस चीज़, कोई भी खबर होगी वो हमारे पास तक पहुँच जाएगी। और एक बात ये भी है कि अगर कोई खबर हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे ज़्यादा अगर हम उसका वीडियो देखेंगे तो वो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है और बहुत जल्दी उसमें समझ पाएंगे कि क्या आखिर क्या घटना घटी थी। अगर अब आज की अगर हम बात करें, आप वेब पोर्टल्स हैं न्यूज़, तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको हर जनरेशन के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पर भी अगर हम हो तो सभी के पास आजकल मोबाइल होता है, तो वो वेब के थ्रू हम कोई भी सूचना, उधर कुछ हो रहा है और इधर हमारे पास उसकी सूचना मिल जाएगी। हम एमपी न्यूज़ को ही देख लें, कितनी जल्दी, कितनी तुरंत हम एकदम सही इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो वेब जो है वो धीरे धीरे, मतलब इसकी महत्वता बढ़ती जा रही है और हर तरफ प्रचलन में बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि बदलाव संसार का नियम है, बदलाव सृष्टि का नियम है, उसी तरीके से आज पहले पत्रकारिता का जब जन्म हुआ तो अखबार से हुआ, अखबार के बाद में न्यूज़ चैनल, और अब वेब ने अपनी जगह बना ली है। अगर हम बदलाव की यहाँ पर बात करें तो संदीप मीणा जी हमारे साथ में है। संदीप जी, बदलाव बहुत देखने को मिला है हिंदी पत्रकारिता में, काफ़ी उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ समीकरण बदले हैं, आपकी नज़र में इस बदलाव को क्या बोलेंगे आप? जी हाँ, मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता में जो है आज के दौर में काफ़ी बदलाव आए हैं। जब पहले जब पत्रकारिता का चलन हुआ था या कहें पत्रकारिता का उदय हुआ था, तो उस दौरान देखने में आता था कि सिर्फ पर्चियों पर पत्रकारिता होती थी या फिर हमें कोई संदेश पहुँचाना होता था तो पर्चियों के माध्यम से पहुँचा देते हैं। फिर उसके बाद में पेपर का चलन आया, टीवी चलने लगी, लेकिन आज की जो पत्रकारिता है बहुत ही फास्ट हो गई है। यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के जरिए, जो सोशल मीडिया है वो पत्रकारिता का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बना है, जो कि हर न्यूज़ को
फास्ट टू फास्ट पब्लिक तक पहुंचाता है। तो आज के दौर में जो वेब मीडिया है या व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके द्वारा जो है न्यूज़ को ना एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र मतलब बहुत आसानी से किया जाता है, ये कहा जा सकता है कि एक क्लिक पर न्यूज़ मतलब तुरंत सेकंड में पहुंच जाती है। तो मतलब आज की जो पत्रकारिता है वो पहले की पत्रकारिता के मुकाबले काफ़ी फास्ट हो गई है। फास्ट हो गई है, बिल्कुल सही बात है। पहले बहुत समय लग जाता था खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, और आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में सबको तुरंत खबर चाहिए, और उसमें वेब ने अपने बहुत अच्छे से पैर पसारे हैं सभी के बीच में। अब हम बात करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता का क्या इम्पैक्ट देखा जाता है। कहा जाता है कि हमारा भारत देश भाषाओं का देश है, कई सारी भाषाएँ पलती हैं भारत देश में, पर एक दुख की बात ये भी है कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा को कई जगह बहुत अच्छे से समझा भी नहीं जाता है, वो लोग अपनी ही भाषा का उपयोग करते हैं जबकि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। ऐसे में हिंदी पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो हिंदी पत्रकारिता का क्या इम्पैक्ट, क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है जनता में, वो हम बात करेंगे। हमारे साथ में है अविनीश जी, क्या लगता है आपको? देखिए दिव्या जी, ये बहुत ही एक चिंतन और मनन का विषय है, गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे हम पत्रकारिता में हैं, हम पत्रकार हैं, कई बार देखने में आता है कि ऐसी कई बड़ी खबरें रहती हैं जो कि जिसको तवज्जो तब मिलती है जब वो एक अंग्रेजी पत्र पेपर में या अंग्रेजी न्यूज़ चैनल में वो चीज़ उठ के आती है और उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती है। अमूमन की हम देखें उसको किसी हिंदी पत्रकार हिंदी पेपर में आ रहा है, हिंदी न्यूज़ चैनल में आ रहा है, तो जो एक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा को लेकर जो धारणा बन गई है, हिंदी का जो वैल्यू कम हो रहा है, ये चीज़ का मेरे को जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है जो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो पत्रकार हैं या जो पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं उन्होंने हिंदी साहित्य को ख़त्म कर दिया है, जो उसका सौंदर्य है वो ख़त्म होते जा रहा है। देखने में आएगा कई न्यूज़ चैनल है, कई पत्रकार न्यूज़पेपर ऐसे हैं जहाँ पर आम बोलचाल की भाषाओं को प्रचलन में लाया गया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम रोज़मर्रा के बोलने के शब्दों जो हमारे रहते हैं उसको हम पत्रकारिता में ला रहे हैं, जबकि पत्रकारिता अपने आप में एक ऐसा विषय है कि आपको एक सूचना प्रसारित करनी है, सूचना देनी है, तो उसमें हिंदी का सौंदर्य होना बहुत ज़रूरी है, उसमें शब्दों का चयन होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे किस वक्त कैसी भाषा का प्रयोग किया जाए। अगर हम पूर्व में देखेंगे जो पत्रकार थे, अगर उनके एस्थेटिकल वैल्यूज़ को देखा जाएगा तो वो बहुत ऊँचा था, और हमको देखना चाहिए कि और हमको ये चीज़ आने वाली जनरेशन को भी सिखाना चाहिए कि वो अपने एस्थेटिकल लैंग्वेज के एस्थेटिक्स को और इन्हांस करें और जो पत्रकार हैं वो भी अपने नॉलेज में अमेंडमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाता है बदलाव की यहाँ पर बात आई है तो पॉजिटिव चेंजेस तो हैं ही, पर साथ में कुछ नेगेटिव चेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और युवा पीढ़ी को जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बदलते दौर के साथ में जो आज के युग में जो चीज़ें चल रही हैं उसको तो आप लेकर चलिए, पर साथ में अपनी जो हिंदी पत्रकारिता जो है, जो एक्चुअल हिंदी पत्रकारिता है, उसको भी अपने साथ लेकर चलिए, तभी हम इसको आजीवन जीवित रख पाएंगे। अब बात आती है कि हिंदी पत्रकारिता आज की पीढ़ी में, आज के दौर में किस तरीके से जा रही है, किस दिशा में बढ़ रही है, तो हमारे साथ में गरिमा है। गरिमा, आपसे जानेंगे हम कि किस दिशा में हिंदी पत्रकारिता बढ़ रही है, क्या कुछ आपको देखने को मिलता है? देखिए, पत्रकारिता जो है उसमें भाषा का बहुत महत्व होता है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पत्रकारिता में हिंदी की जो जगह है जो हमेशा से चली आ रही है वो आगे भी बनी रहे। आज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो इंटरनेट और वेब में इतनी ज़्यादा खो चुकी है कि वो हिंदी जर्नलिज्म, हिंदी पत्रकारिता को भूलती जा रही है। तो और आज अभी जो कुछ अखबार और पत्रिकाएं हैं उनमें भी देखा जाता है कि शुद्ध हिंदी का प्रयोग अब नहीं होता है, उसमें मिलावटी हिंदी यूज़ की जाती है, उनमें इंग्लिश के कुछ शब्द यूज़ होते हैं, और इसके साथ साथ ये जो है ये हिंदी पत्रकारिता की कुछ कमी है। लेकिन इसके साथ साथ हिंदी पत्रकारिता ने एक नया आयाम भी देखा है कि जिससे जो बड़े बड़ी न्यूज़ कंपनीज़ हैं, न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने अपने इंग्लिश पोर्टल्स के साथ साथ जो वेब पे उन्होंने इंग्लिश पोर्टल्स निकाले हैं उसके साथ उन्होंने हिंदी पोर्टल्स भी निकाल रहे हैं, और वेब पे हिंदी पत्रकारिता देखी जा सकती है और उसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक चेंज है जो यंग जनरेशन को ध्यान में रख के किया गया है ताकि उन तक हिंदी में भी वो जानकारियाँ पहुँचे जो वो इंग्लिश में जानना चाहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एक्चुअल हिंदी पत्रकारिता का सौंदर्य है वो तो हमारे पुराने और जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने हमारे लिए संजो कर रख दिया है। अब हम जैसे युवा पत्रकारों का ये दायित्व बनता है कि हम इसको आजीवन संजो कर रखें और हमारी आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम ये बरकरार रखें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि हिंदी जो पत्रकारिता है उसका हम पूरा अस्तित्व ही मिटा देंगे। खैर, अब बात आती है पत्रकारिता से पत्रकार पर, क्योंकि पत्रकारिता से ही पत्रकार का जन्म होता है और एक पत्रकारिता पत्रकार के बिना पूरी तरीके से अधूरी है, और अगर पत्रकार एक जिम्मेदार पत्रकार हो तभी वो पत्रकारिता को बहुत अच्छे से निभा सकता है। पत्रकार के बारे में हम उन्हीं से जानेंगे जो इस फील्ड में, जी हाँ, पत्रकारिता की फील्ड में काफ़ी पुराने समय से हैं और जिन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव देखे हैं। हमारे साथ में एमपी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ महेंद्र सोनगिरा जी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि पत्रकारिता में पत्रकार का क्या एक रोल होता है और अगर जिम्मेदार पत्रकार हो तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बहुत अच्छा, बहुत एक मौजू विषय जो है यहाँ पर छेड़ा है दिव्या जी। सबसे बड़ी बात है कि आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है यहाँ पर मनाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे जो महत्व वाली बात है या जो जिस पर ध्यान इंगित करने वाली बात है वो ये है कि पत्रकार का जन्म आखिर होता कब है। सबसे पहले एक जिज्ञासा होती है, उसमें जागरूकता का अलग जगाने का एक संकल्प होता है और समाज के लिए, देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा होता है। लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को जानना, उनको समाधान तक पहुंचाना, सरकार और जिम्मेदारों के बीच में एक सेतु का काम पत्रकार करता है। और इसी की परिभाषा को परिपूर्ण करने के लिए एक व्यक्तित्व का जन्म होता है जो कि जिस कार्य को करता है वो पत्रकारिता कहलाती है। मैं, जैसा कि आपने बताया दर्शकों को हमारे, कि जुगल किशोर शुक्ल जी थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है मनाने की शुरुआत की। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि समय बदला, दौर बदला, जमाना बदला, तो तरीके भी बदले। पहले पाठक हुआ करते थे, आज पत्रकारिता के पास अच्छे दर्शक हैं। पहले अच्छे पाठक पढ़ने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, आज अच्छे देखने वाले दर्शकों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और मैं ऐसा मानता हूं कि शब्दों का चयन, शब्दकोश का ज्ञान, ये आज की युवा पीढ़ी को, या कहा जाए आज के कलमकार को, पत्रकार को होना बहुत आवश्यक हो गया है। होता यह है कि पत्रकारिता की चकाचौंध में, आज की ग्लैमर की दुनिया में युवा कहीं खोसा जाता है और उसकी जो नींव है वो मजबूत नहीं हो पाती। उसके पास शब्दों का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, सही विषय पर सही पकड़ नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा पूरी पत्रकारिता को उठाना पड़ता है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं तमाम युवा कलमकारों से एक अपील करूंगा कि आप इंटरनेट के ज़माने में तकनीक का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही साथ ये जो कलम की ताकत है, जो लेखनी की हमारी ताकत है, इसको ना नज़रअंदाज करें। क्योंकि यदि आप एक अच्छे लेखक होंगे तभी एक आप अच्छे एंकर बन पाएंगे, तभी आप एक अच्छे पत्रकार कहला पाएंगे। क्योंकि शब्दों का चयन जब तक आपके पास नहीं होगा, गहराई नहीं होगी, आपकी पत्रकारिता जिंदा नहीं होगी, मौजू नहीं होगी, मौलिक नहीं होगी, तब तक जो है इस पत्रकारिता दिवस की सार्थकता नहीं होगी। तो मेरा तो केवल दिव्या जी आपके इस खास शो में एक ही खास मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए भी कि हम हिंदी विषय पर, हिंदी जानकारी को, हमारे हिंदी विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लगातार भाषा की समृद्धशाली जो विरासत हमारे पास हिंदुस्तान देश पर है वो बनी रहे, उस पर पूरा काम करते हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि आज के कलमकार भी जो है इस कलम की ताकत को ना भूलें और इससे जो है अपनी जेब में लगाने को शान का विषय वो मानते आए और आगे भी माने वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े मैसेज के साथ में आज का ये प्रोग्राम हम वाइंड अप करने जा रहे हैं कि कलम की ताकत को समझना होगा आज की हर युवा पीढ़ी को, जो भी पत्रकारिता से जुड़ना चाहता है, जो भी पत्रकारिता में आना चाहता है। पत्रकार वही बन सकता है जिसको लिखना आता है और लिखने के साथ में जो एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस दिशा में अपने भारत देश को लेकर जाना है, और ये आज का युवा ही समझ सकता है। तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हमने बात की, हमारी एमपी न्यूज़ की पूरी टीम ने चर्चा की कि किस तरीके से तब और अब में बदलाव आया, पत्रकारिता के क्या मायने थे, क्या कुछ नए समीकरण बने, और स्वरूप भले ही बदल गया हो पर भारतीय होने के नाते, पत्रकार होने के नाते हिंदी से हमें कल भी लगाव था, आज भी लगाव है और आगे भी लगाव रहेगा। इसी के साथ में हमें दीजिए इजाज़त, आगे भी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज़, और आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।